बड़ी खबर ये सामने आ रही है, 3000 वोट से आगे हुए समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार। गोरखपुर से समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार 3000 वोटों से आगे चल रहे हैं। ऐसा पहली बार है इतिहास में जब इस तरह की स्थिति, समाजवादी पार्टी की इतनी मजबूत स्थिति देखी जा रही है। हालांकि जैसे जैसे दिन चढ़ेगा तस्वीर और ज्यादा साफ हो पाएगी, लेकिन अभी के जो आंकड़े सामने आए हैं वो ये दर्शा रहे हैं कि गोरखपुर से बीजेपी के उम्मीदवार उपेंद्र शुक्ला हार सकते हैं। ये बड़ी जानकारी इस वक्त की समाजवादी पार्टी खाता खोलने जा रही है। समाजवादी पार्टी ने काफी अच्छा प्रदर्शन किया है और वैसे भी हमने देखा था 47% ही मतदान प्रतिशत रहा था। ऐसे में माना यह भी जा सकता है कि बीजेपी अपने जितने भी वोटर थे उनको घरों से निकाल पाने में नाकामयाब रही है, जिसका सीधा असर इस वक्त देखा जा रहा है इन आंकड़ों में। डीएम इस वक्त क्या कुछ कर रहे हैं, क्या बोल रहे हैं इस पूरे मामले पर, अब जरा वो सुन लेते हैं। देता हूं, अभी तक कुल प्राप्त मत 1,22,546, जिसमें भाजपा को के कैंडिडेट को 56,945, समाजवादी पार्टी के कैंडिडेट को 59,907, कांग्रेस को 2,386, अवधेश निषाद को 310, गिरीश नारायण पांडे को 207, नरेंद्र कुमार महंता को 208, मालती देवी को 351, राधेश्याम सेहरा को 298, विजय कुमार राय को 246, सरवन कुमार निषाद को 464 और नोटा में 1224, कुल 1,22,546। पांचवें चक्र का आने वाला है, फिर आपके बीच में आऊंगा मैं। चार राउंड का इस वक्त काउंटिंग हो चुकी है और आपको बता दें कि अभी जो डीएम है उनकी ओर से आंकड़ा दिया गया है 2962 का आंकड़ा, यानी कि अंतर तकरीबन 3000 का है। लेकिन यहां पर समाजवादी पार्टी अपनी बढ़त बनाए हुए है, जो बीजेपी के लिए बेहद चिंता की बात है। क्या यह आंकड़ा पलटेगा या फिर स्थिति इसी तरह की रहेगी, ये अपने आप में काफी ज्यादा दिलचस्प। लेकिन समाजवादी पार्टी ने बेहतरीन प्रदर्शन किया है और आपको बता दें गोरखपुर हारने का मतलब यह होगा सीधे सीधे योगी आदित्यनाथ को वहां से खारिज किया जाना। गोरखपुर हारने का मतलब यह होगा सरकार एक साल पूरे करने जा रही है योगी आदित्यनाथ की उत्तर प्रदेश में। उसके ठीक पहले यह मैंडेट गोरखपुर की जनता, यूपी की जनता यह बताने के लिए दिखा रही है कि देखिए आपको जिस लिए मैंडेट दिया गया था वो काम सही तरीके से इस वक्त नहीं कर रही है योगी सरकार। यह है एबीपी न्यूज, आपको रखे आगे।